केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पबजी समेत 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने धारा 69A के तहत इन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने का फैसला किया है। मंत्रालय ने कई शिकायतें मिलने के बाद बैन लगाने का ये फैसला लिया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन में दिल्ली मेट्रो को चलाने की इजाजत दी गई है। दिल्ली मेट्रो 7 सितंबर से दौड़ेगी। केंद्रीय शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मेट्रो सेवाएं शुरू करने को लेकर विस्तृत एसओपी और गाइडलाइन जारी की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने कहा कि हम जदयू के नजदीक हैं और उनका पार्टनर बनकर रहने का फैसला लिया है। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है, मेरी कोई शर्त नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई फैसले लिए गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में बताया कि सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा विधेयक लाया गया है। अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा बोर्ड में सर्वसम्मति से पास किया गया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण की बोर्ड की बैठक में नक्शा पास हुआ है। लगभग 13,000 कवर्ड एरिया का नक्शा पास हुआ है। 13,000 कवर्ड एरिया में राम मंदिर बनेगा। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में उपराज्यपाल अनिल बेजल ने केजरीवाल सरकार का प्रस्ताव मान लिया है। इस प्रस्ताव के साथ ही अब दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला हुआ है। इसके बाद ही अब आने वाले दिनों में दिल्ली मेट्रो आम जनता के लिए खुल सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर दिखाई जा रही फिल्म गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र सरकार और वायुसेना ने इसके लिए कोर्ट से मांग की थी। सरकार का कहना था कि ये मूवी भारतीय वायुसेना की साख को गिराने वाली है। तृणमूल कांग्रेस ने फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है। टीएमसी का आरोप है कि फेसबुक बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। टीएमसी की ओर से चिट्ठी में फेसबुक पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स ने दावा किया है कि फेसबुक इंडिया में पॉलिसी मेकर अंकी दास ने कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को छूट दी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के संकेत से बुधवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत सपाट रही है। दोपहर 12 बजे तक भारतीय शेयर बाजार में वोलेटिलिटी देखने को मिली, जिसके कारण बाजार कभी हरे रंग के निशान पर तो कभी लाल रंग के निशान पर कारोबार करता रहा। कोरोना वायरस के संकट के बीच संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। वहीं कोरोना काल में हो रहे संसद के सत्र में प्रश्नकाल शामिल नहीं है। ऐसे में विपक्ष की ओर से कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मसले पर कहा कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी को लोकतंत्र को खत्म करने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।